आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सिट्रो इन के प्लस वेरिएंट के बारे में जो कि बेस एंड वेरिएंट से ऊपर वाला वेरिएंट रहता है सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो स्टिक टिल एंड मैं इसके बेस एंड वेरिएंट यू वेरिएंट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उसका जो लिंक है आई कार्ड में फ्लैश हो रहा होगा उस वीडियो को भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं लेटर ऑन तो अगर मैं इस वेरियंट के बारे में बात करूँ तो प्लस वेरियंट का जो शोरूम प्राइस है टिल थर्टी अक्टूबर इट इज़ नाइन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ एक्शोरम यानी ये जो वेरिएंट है ये आपको तीन कलर ऑप्शंस के साथ ऑफर करा जाता है एक तो ये पोलर वाइट कलर ऑप्शन रहता है स्टील ग्रे कलर ऑप्शन रहता है एंड प्लैटिनम ग्रे कलर ऑप्शन इस वेरिएंट में आपको ऑफर कर दिया जाता है और अगर इस व्हीकल के व्हील बेस के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको बेस्ट इन क्लास व्हील बेस देखने को मिलता है 2651 मिलीमीटर mm का बिकॉज दिस व्हीकल इज बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज द सिट्रोन सी थ्री एंड द सी थ्री एयर क्रॉस तब भी आपको फ्रंट में सिमिलैरिटीज काफी देखने को मिल जाती है इस व्हीकल के भी बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इस व्हीकल की रहती है 180 मिलीमीटर्स mm की बूट स्पेस ये व्हीकल जो है ऑफर करती है आपको 470 लीटर्स की एंड इस वेरिएंट में आपको जो इंजन ऑफर करा जाता है दट इज द 1.2 लीटर नेचुरली एसपरेटेड पेट्रेल जो कि थ्री सिलेंडर वाला रहता है एंड प्रोड्यूस 80 बी एट हंड्रेड एंड फिफ्टी ऑफ पिक टॉक एंड इज ऑफर्ड विद फाइव स्पीड मानुअल गयरबॉक्स ऑप्शन ओनली इस वेरियंट में आपको टर्बो पेट्रल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आपको मैनुअल एंड ऑटोमैटिक दोनों के साथ ऑफर कर जाता है तो जो टर्बो इंजन है दट इज दन पॉइंट लीटर टर्बो पेट्रेल जो प्रोड्यूस करता है हंड्रेड एंड एट हंड्रेड एंड नाइनटी मीटर्स ऑफ टॉक फॉर द सिक्स स्पीड गेयर बॉक्स एंड टू

एंड ग्लॉस ब्लैक ग्रिल देखने को मिल जाती है इस वेरिएंट से आपको साथ ही साथ इस वेरिएंट से आपको सोलह इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर देखने को मिलेंगे हालांकि इसमें अभी फिटेड नहीं है व्हील कवर्स बट दिस वेरिएंट डज गेट व्हील कवर्स एज वेल बाकी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में जो है साइड मेयर देखने को मिल जाते हैं विद टर्न सिग्नल्स हंडर माउंटेड आपको सिर्फ और सिर्फ बेस एंड वेरियन में ही ऑफर करे जाते हैं और चीज़ों के बारे में बात करें तो एक्सटीरियर वाइज आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिलता एज़ कम्पेयर्ड विद द बेस एंड वेरियंट बाकी डोर हैंडल्स भी आपको इसमें बॉडी पेंटेड वाले ही देखने को मिल जाते हैं बाकी ऑब्वियसली इसमें आपको जो है सनरूफ तो नहीं मिलेगी ना ही बेस एंड वेरिएंट में ना ही टॉप एंड वेरिएंट में ना ही मिड वेरिएंट में इस व्हीकल में आपको सनरूफ तो ऑफर नहीं करी जाती है अब लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर फीचर तो इसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिल जाता है इस वेरिएंट से जो कि बेज एंड ब्लैक रहता है 10.2 इंच का आपको टच स्क्रीन फुटेजमेंट सिस्टम विद वायरलेस ऑटो एंड एप्पल का देखने को मिल जाता है बाकी साथ साथ स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल देखने मिल जाते हैं चार स्पीकर फिटेड देखने मिल जाते हैं सेवन इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है फ्रंट यू चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है इस वेरियंट से आपको ट्वेल्व वोल्ट एस एसरी सॉकेट तो ऑब्वियसली है ही बाकी मैनुअली एडजस्टेबल आई आर वी देखने मिल जाता है ऑल फोर पावर विंडोज देखने मिल जाती है फैब्रिक फिनिश ऑन डोर पैड्स देखने को मिल जाता है एंड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने मिल जाती है, हैंड रेस्ट इसमें भी नहीं देखने मिलता कभी एरिया यहाँ पर आप आपको देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत बाकी रेड सीट्स की लोग कुछ ऐसी रहती है रेड में आपको दो एडजस्टेबल हेडर्स देखने को मिलते हैं बीच में आपको फिक्स्ड हेड देखने को मिलता है हैंड रेस्ट भी देखने को मिल जाता है आपको इस वेरिएंट से अपोस चीज़ में भी आपको फैब्रिक ही देखने को मिलती है जैसे कि यू कैन सी राइट एंड फ्रंट ऑफ यू बाकी काफ़ी प्रीमियम फील करता है इस वेरियंट का इंटीरियर जो है बेस एंड वेरियंट तो काफ़ी बेसिक रहता है बट इस वेरियंट से आपको थोड़ी प्रीमियम फील आने लग जाती है तो ये थी कुछ डिटेल्स अबाउट द इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर ऑफ द सिटर बसाल्ट के प्लस वेरिएंट विद दन पॉइंट टू लीटर नाचली स्पीडेड पेट्रोल इंजन आई होप आप लोग वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेक एक छोटा विद द लाइक बटन एज वेल एज शेयर दिस द फ्रेंड्स एंडिंग द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप लोग मेरी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज पर पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में टिल दिन गाइज बाय